रोजाना की तरह आज फिर मैं जानवरों के लिए चारा वगैरह लेने के लिए गया, कमली और बेबी पिंकी पिंकी के लिए, तो फिर मेरे हाथ में लग गया कांटा। तुम्हें नजर आ रहा होगा लेकिन अभी सही नजर नहीं आ रहा, तो मैं आगे करके ना थोड़ा सा और जूम करके तुम्हें कराता हूँ। ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, एक डार्क सा, ये एक है कांटा जो कि मेरे हाथ में लग गया, काफी पेन कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो यार इसकी वीडियो बना लेता हूँ, पेन तो हो ही रहा है, साथ साथ तुम्हें भी दिखा देता हूँ यार, बस जरूरत मेरा जिंदगी की तुम्हें चीजें दिखाना है। मैंने फिर नील कटर उठा लिया, मैंने कहा इससे आसानी से निकल आएगा, सुई से बड़ा यार पेन करेगा। तो फिर मैंने नील कटर उठाया और लग गया इसको निकालने के लिए। तुम्हें ए टू जेड दिखाऊंगा कि कैसे लगा है, क्या है ये वो। चलो यार मक्खियाँ वगैरह भी आना शुरू हो गया। असल में मैं घास वगैरह लेके आया ना, अभी इतने हाथ की ना कंडीशन ऐसी हुई पड़ी है, तो मक्खियाँ वगैरह आ रही हैं। तो मैं इसको खून कटर के साथ यानी नील कटर के साथ निकालना शुरू हो गया। ये देखें जी निकल चुका है, थोड़ा सा रह गया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कितना बड़ा कांटा है, मतलब कि जो भी साइज होगा इसका प्रॉपर। लेकिन यार पेन बहुत करता है, तुम्हें पता है यार बॉडी में जो चीज़ लगती है तो उसके बाद दर्द तो होता ही है। बाकी यार तुम लोग भी, तुम्हारे साथ कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना। बाकी तुम लोग इसी तरह मेरी डेली लाइफ के जो रूटीन के ब्लॉग्स वगैरह देखने में इंटरेस्ट होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को लाइक तो यार मेरे बिना के ही कर दिया करो यार, गरीब बंदा हूँ सपोर्ट किया करो यार। बाकी यार कांटा निकलने के मेरे आसपास ही पहुँच चुका था, अब मैं इसको निकाल के तुम्हें दिखाता हूँ। ये आ चुका है, अभी मैं हाथ पे रखता हूँ। ये देखें जी नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा और पास करते हैं, हाथ पे रखते हैं। ये देखें जी ये ब्लैक कांटा मुझे लग चुका था। मिलते हैं आगे वाले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।